ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة। आज हम आपके सामने बयान करते हैं जानी जना करने वाला मर्द और जानिया जना करने वाली औरत, क्या इसका मोमन मर्द और मोमन औरत के साथ निकाह हो सकता है, इनका उनके साथ शादी करना कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में यह फैसला बयान कर दिया कि जानी मर्द जो है इसका सिर्फ निकाह जानिया औरत के साथ या मुशरका के साथ होगा। जिस तरह शिर्क करना कबीरा गुनाह है और शिर्क में शराकत होती है, अल्लाह के अलावा किसी और का पूजा जाता है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जाती है, इसी तरह जना करने वाला और जना करने वाली औरत और मर्द जो है अपनी बीवी को छोड़कर, औरत जो है अपने खामत को छोड़कर किसी और के साथ बदकारी करते हैं, मुंह काला करते हैं। लिहाजा कुरान ने कहा कि जानी मर्द जो है सिर्फ मुशरका और जानिया के साथ ही निकाह करेगा, और जानिया औरत जो है सिर्फ जानी मर्द और मुशरक के साथ ही निकाह कर सकती है, और मोमन मर्द और मोमन औरतें इन पर हराम करार दे दी गई हैं। लिहाजा कतन ऐसा आदमी जिसका जुर्म वाजिब हो जाए, माशरे में पता चल जाए या उसको सजा मिल चुकी हो इस जुर्म की वजह से, कतन हमें मोमन मर्द और मोमन औरत का उनके साथ निकाह नहीं करना चाहिए, वो उनके लिए हराम है, ये कुरान का फैसला है। लिहाजा कुरान के फैसले को हम सबसे पहले तरजीह देते हैं। हमारे माशरे में लोग किरदार को और करेक्टर को कम देखते हैं, दौलत को देखते हैं, लिहाजा कतन भी जानी मर्द के साथ निकाह नहीं होगा और ना किया जाएगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जुर्म की इतनी बुराई बयान की है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इसकी इतनी बुराई बयान की है और इसकी इतनी तजलील की है कि अगर शादीशुदा जना करता है, बदकारी करता है, उसको पत्थर मार मार के रजम किया जाएगा, उसकी सजा ये है। और इसी तरह कुरान ने दूसरी जगह ऐलान फरमाया अत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, पाक मर्द जो है पाक औरतों के लिए हैं और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं। अगर इंसान चाहता है मेरी शरीके हयात और मेरे निकाह में आने वाली औरत, औरत चाहती है मेरे निकाह में आने वाला मर्द वो पाक हो और इसी तरह किरदार के लिहाज से, करेक्टर के लिहाज से पाक हो, तो पहले आपको खुद पाक करना होगा। अगर आप बदकारी से बराद रहते हैं, जना नहीं करने वाले, बदकारी नहीं करने वाले, तो कतन भी हमारे निकाह में ऐसा कोई बदकारन और जानी नहीं आ सकता। तो लिहाजा हमें मोमन के लिए साथ निकाह करने के लिए जरूरी है। हाँ, वो आदमी जिसका उसने बदकारी की है लेकिन उसका पता नहीं चल सका, ऐप उसका छुपा हुआ है और उसके बारे में अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो अल्लाह के फैसले, वो चाहे जैसा मर्जी फैसला करे, लेकिन हमें जिसका जुर्म और गुनाह वासी हो जाए उसके साथ कतन निकाह नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।